हेलो दोस्तों, GTA Vice 2 की एक न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। आज मैं आपको GTA Vice 2 के जो टॉप बेहतरीन PC के चीट कोड्स हैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिसके अंदर जो 7 चीट कोड्स होंगे वो आपको व्हीकल्स के चीट कोड मिलेंगे, और उसके अलावा हेल्थ का चीट कोड, वेपन्स का चीट कोड और एक बिग ब्लास्ट का चीट कोड भी आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप इन चीट कोड्स को सीखना चाहते हैं और अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर इन्जॉय करना चाहते हैं तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। सारे के सारे चीट कोड्स मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताए हैं। आपके सामने गेम के अंदर चीट कोड्स को एक्टिव करूंगा और उस चीज़ को प्ले करके आपको दिखाऊंगा, तो आपने भी अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर इन सभी चीट्स को एक्टिव कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे चीट कोड्स को सीखते हैं कि कौन कौन से चीट कोड हैं जो कि आप अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर एक्टिव करके इन्जॉय कर सकते हो। तो आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। GTA Vice 2 से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपने कमेंट में टाइप कर देना है। GTA Vice 2 गेम के अंदर जो सबसे पहला नंबर जो हमारा चीट कोड है वो है आर्मी की पैंथर टैंक का चीट कोड। आपने स्पेलिंग वही लिखी जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दी। जैसे आप लिख के कंप्लीट करोगे, ये वाली जो आर्मी की एक बड़ी टैंक आपको नजर आ रही है, बिग तोप, इसको आप अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर ले पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। ये देखें दोस्तों, यही वाली आपको पैंथर टैंक मिलेगी GTA Vice 2 गेम के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट चीट कोड है रोमर कार का चीट कोड। आपने चीट कोड टाइप करना है द लास्ट राइड, स्क्रीन पे आपको स्पेलिंग नजर आ रही है। जैसे ये लिख के कंप्लीट करोगे, स्क्रीन पे आपको जो गाड़ी नजर आ रही है, जो बड़ी कार नजर आ रही है, बिल्कुल यही कार आपको मिलेगी आपके GTA Vice 2 गेम के अंदर इस वाले चीट कोड को एक्टिव करने से। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा नंबर चीट कोड है वो है रोल्स रॉय कार का चीट कोड। आपने चीट कोड टाइप करना है रॉक एंड रोल कार। जैसे आप टाइप करके कंप्लीट करोगे आपका चीट एक्टिव हो जाएगा, जो बड़ी एक स्टाइलिश रॉयल रोल्स कार है वो आपको मिल जाएगी आपके GTA Vice 2 गेम के अंदर। यहाँ पर ये मिल चुकी है टोमी को और वो जो है एंजॉय कर रहा है अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर। तो आप भी अपने GTA Vice 2 गेम के अंदर इस बड़ी स्टाइलिश सुपर कार को ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला चीट कोड है जो बड़ी मॉन्स्टर ट्रक आपको मिलती है GTA Vice 2 गेम के अंदर, उसको आप कैसे ले सकते हो, कैसे उसका चीट कोड एक्टिव कर सकते हो। तो स्क्रीन पे मैं आपको स्पेलिंग शो कर देता हूँ, ट्रेवल इन स्टाइल, ये वाली आपने स्पेलिंग टाइप करनी है। जिसे टाइप करके कंप्लीट करोगे जो बड़ी मॉन्स्टर ट्रक है GTA Vice 2 गेम के अंदर आपको वो मिल जाएगी, उसका चीट कोड एक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास ये चीट कोड एक्टिव ना हो तो ये GTA Vice 2 का डिलेक्स मोड है जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप अपने GTA Vice 2 गेम के अंदर इस डिलेक्स मोड को एक्टिव कर सकते हो। अब दोस्तों हमने ये चीट कोड टाइप किया रोबेश कार। जैसे मैंने रोबेश कार चीट कोड टाइप किया तो ये वाली बड़ी जो ट्रक है वो हमारे पास आ गई, हैवी ट्रक हमें मिल गई रोबेश कार चीट कोड टाइप करने से। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा चीट कोड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो भी एक मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड है, वो है गेट हर क्विकली। तो गेट हर क्विकली आपने चीट कोड टाइप करना है तो आपके पास एक और जो बड़ी मॉन्स्टर ट्रक है ग्रीन वाली, ये सामने आपको नजर आ रही है, ये वाली जो बड़ी मॉन्स्टर ट्रक है आपको मिल जाएगी गेट हर फास्ट क्विकली चीट कोड टाइप करने से। तो दोस्तों कभी भी आपको मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड एक्टिव करना हो तो आपने ये वाली स्पेलिंग जो है ना टाइप करनी होगी अपने गेम के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला चीट कोड है GTA Vice 2 गेम के अंदर बेटर देन वॉकिंग। एक कैडी जो कार होती है गोल्फ वाली, उस कार का चीट कोड हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ये वाली स्पेलिंग आपने टाइप करना है तो आपको वो जो कैडी कार है GTA Vice 2 गेम के अंदर जो कि गोल्फ गेम के लिए इस्तेमाल की जाती है, बड़े ग्राउंड के अंदर ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, प्लेयर्स के पास होती है, तो आपने इसका चीट कोड एक्टिव करना है ये वाली स्पेलिंग टाइप कर से बेटर देन वॉकिंग। उसके बाद दोस्तों GTA Vice 2 गेम के अंदर हमारा अगला चीट कोड है जब टोमी की हेल्थ कम हो जाती है, किसी से फाइट करता है। अब यहाँ पे टोमी फाइट कर रहा है तो ऊपर आपको जो 100 हेल्थ नज़र आ रही है, टोमी की हर्ट नज़र आ रही है, वो कम होती हुई जा रही है। तो इस हर्ट को हम 100 कैसे कंप्लीट कर सकते हैं चीट कोड के जरिए, वो क्या चीट कोड है स्क्रीन पे मैं आपको शो कर देता हूँ। इस फैन आपने चीट कोड टाइप करना है जो टोमी की हेल्थ है वो दोबारा 100 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला चीट कोड है वेपन्स का चीट कोड। GTA Vice 2 गेम के अंदर हम कैसे हैवी वेपन्स ले सकते हैं, उसके लिए आपने टाइप करना होगा थग टूल्स। जैसे टाइप करोगे जो भी हैवी वेपन्स है GTA Vice 2 गेम के अंदर उनका चीट कोड एक्टिव हो जाएगा और उन हैवी वेपन्स को आप यूज़ कर पाओगे अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर बड़े मज़े के साथ, बड़े आसानी के साथ। तो सारे के सारे वेपन्स आप एंजॉय कर सकते हो अपनी GTA Vice 2 गेम के अंदर। लेकिन दोस्तों लास्ट वाले चीट कोड बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी आने वाली मज़ेदार वीडियो जो है ना आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको दो बेहतरीन वीडियो मिलेंगी, उसको भी आप विजिट कर लेना। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा लास्ट चीट कोड है ब्लास्ट और कॉल्स का चीट कोड। जितने भी टोमी के आसपास गाड़ियाँ खड़ी होंगी उनको आप कैसे ब्लास्ट कर सकते हो, तो आपने चीट कोड टाइप करना है बिग बैंग। जैसे ही टाइप करोगे टोमी के आसपास चाहे एक गाड़ी हो, दो हो, दस हो, पचास गाड़ी खड़ी हो, सारी की सारी जो है ना ब्लास्ट हो जाएंगी, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा इस वाले चीट कोड को टाइप करने से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।